दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बाल विकास के कुछ सेलेक्टेड 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, इस वीडियो को कंप्लीट देखें। साथ ही साथ आप अपना स्कोर काउंट करते चलें कि आप 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब सही से दे सकते हैं। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जिस भी भाषा में आप कनेक्टेड फील करें बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अधिक समय न लेते हुए पहला क्वेश्चन। सभी को नमस्कार, मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया था? औसत बुद्धि वाले बालकों के लिए, सृजनशील बुद्धि वाले बालकों के लिए, मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए, या फिर तीव्र बुद्धि के बालकों के लिए? तो मॉन्टेसरी प्रणाली का जो विकास किया गया था मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा, वो मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोगों ने सी आंसर दिया है उनका जवाब बिल्कुल ठीक है। आप सभी को गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर टू देखिए। प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते, यानी जो बालक प्रतिभाशाली होंगे उनके अंदर कौन से लक्षण, वृद्धावस्था के, बाल्यावस्था के, किशोरावस्था के, या फिर प्रौढ़ावस्था के? क्वेश्चन नंबर टू। तो जो प्रतिभाशाली बालक होंगे उनके अंदर बाल्यावस्था के लक्षण जल्दी जो है दृष्टिगोचर होने लगते हैं, तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या तीन देखिए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, निम्न में से ये कथन किसका है? क्वेश्चन कई बार अलग अलग राज्यों की टेट परीक्षाओं में पूछा गया है, कथन वाले क्वेश्चन जिस भी परीक्षा में आते हैं। विकल्प है यहाँ पे सीएसए, फ्रायड, पियाजे। चौथा ऑप्शन आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, या बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, ये कथन है जीन पियाजे महोदय का। क्वेश्चन नंबर चार देखिए। अधिगम का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि सीखने हेतु कार्य का दोहराना आवश्यक है? अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत? प्रश्न संख्या चार आप सभी की स्क्रीन पे। सभी को गुड इवनिंग। नाम नहीं लिए जा रहे, ये प्रीमियर वीडियो है, थोड़ा सा लाइव से अलग होता है। तो क्वेश्चन नंबर चार का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्लास में हमने आपको कई बार बताया है सिद्धांत के बारे में, कमेंट करके बताइएगा कि अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। नहीं पता होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसका उत्तर बताएंगे, मतलब अगर आप नहीं बता पाते हैं तो हमने आपको बताया है, कहीं से भी आप ढूंढे, लेकिन आप जब सर्च करते हैं कोई चीज खोज आधारित अधिगम तो वो स्थायी रहता है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। इस प्रश्न का उत्तर कई बार हमने आपको बताया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए कमेंट करने लगे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या पांच देखिएगा। पाठ्यक्रम से शिक्षक को लाभ क्या होता है, जो सिलेबस होता है, ठीक है, उससे शिक्षक को क्या फायदा होता है? शिक्षक को क्या पढ़ाना है, उसका ज्ञान हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए, उसका ज्ञान होता है, ये भी विकल्प ठीक है। शिक्षण सरल हो जाता है, रोचक, तो बातें तो सभी सही है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है उपरोक्त सभी जो आप लगा दें। तो सबसे बेस्ट क्या होगा, अगर अब देखिए सरल हो जाता है, रोचक हो जाता है, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट क्या पूछा जा रहा है, शिक्षक को लाभ, ना कि बच्चे को, है ना। तो मेन पॉइंट आपका फोकस रहेगा ऑप्शन नंबर ए पे। शिक्षक को ये पता चल जाता है, सिलेबस पता होगा तो पता हो जाएगा कि हाफयरली में क्या पढ़ाना है, क्वार्टरली एग्जाम से पहले क्या पढ़ाना है, और फाइनल तक क्या क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो उसका ज्ञान हो जाता है शिक्षक को, ठीक है। वैसे क्या पढ़ाएगा शिक्षक, कुछ भी कहीं से, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर छह देखिए। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है, क्यों आवश्यक है खेल पद्धति? आर्थिक सिद्धांतों के लिए, भूगोल के सिद्धांतों के लिए, बच्चों के सामाजिकरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रश्न संख्या छह। तो बच्चों के सामाजिकरण के लिए जरूरी है खेल पद्धति, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर सात। एक दो प्रश्न आपको इस बार भी मिले थे 7 जुलाई वाली परीक्षा में, इस बार भी आएंगे ये कन्फर्म है। समावेशी शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है, इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना, ऐसे माहौल की व्यवस्था करना जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाया जा सके। प्रश्न संख्या सात। तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर बता दिया है, केवल वाला ऑप्शन ठीक नहीं होगा, सिर्फ प्रतिभाशाली और सृजनशील विद्यार्थियों के लिए भी नहीं होगा। आंसर क्या आएगा, सामान्य और अधिगम अक्षम, यानी जो बच्चे किसी भी प्रकार से पिछड़े हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से, सभी को एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था कराना ही क्या
किसका काम होता है? समावेशी शिक्षा का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के विकास सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार प्रदर्शित नहीं करता? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव है। भाषा द्वारा, संकेतों द्वारा, सक्रियता द्वारा, या फिर बाकी के ऑप्शंस, एक और ऑप्शन है यहाँ पे दृश्य प्रतिभा द्वारा। प्रश्न संख्या 8। तो देखिए, ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को वरीयता नहीं दी है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, संकेतों द्वारा, सक्रियता द्वारा और दृश्य अधिगम, तीनों दृश्य प्रतिभा तीनों को ही महत्व दिया है, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत में, ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने कहीं पे भी भाषा का जिक्र नहीं किया। प्रश्न संख्या 9। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में प्रतीकात्मक विचार विकसित हो जाते हैं? प्रतीक, सिंबल, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये कब से कब तक होती है? 0 से 2, ठीक है, फिर 2 से 7, फिर 7 से 11, फिर 11 से आगे 15-16, कहीं कहीं पे कुछ भी मिल सकता है, तो आपको ये बिल्कुल रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, तथ्य किससे संबंधित है? वैयक्तिक अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से, या फिर एकीकरण के सिद्धांत से? तो विकास जो है निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, जन्म से कब्र तक, जन्म से मृत्यु तक आपकी ये प्रक्रिया चलती है। आंसर क्या आएगा? निरंतरता का सिद्धांत, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो। सभी को गुड इवनिंग। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, प्रश्न अच्छे लगे हो, वीडियो पसंद आया हो, एक एक लाइक करिएगा, सिर्फ एक लाइक और एक शेयर, अच्छा लगेगा हमें। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पिछली क्लासेज के लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, सजेस्टेड में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना क्या है? प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके जब समस्याओं का समाधान करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? रुचि, शारीरिक, सॉरी, शारीरिक क्रियाशीलता, स्मृति कौशल, या फिर प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न संख्या 11, फिर से समझिए। मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का जब समाधान किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रश्न संख्या 11, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, छात्रों के वैयक्तिक कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति का, छात्रों की विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल का, या फिर छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता स्तर का। बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पे, बाकी के ऑप्शन पॉजिटिव है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 में जो सबसे पहले ही दे रखा है, आर्थिक स्थिति की हमसे क्या मतलब है? बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आए, मैं उससे मतलब नहीं, हमको एक जैसी शिक्षा देनी है, एक अच्छे शिक्षक का यही गुण होता है और यही कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे हम जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत किसी भी बच्चे की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव था। प्रश्न संख्या 13, आपकी कक्षा में 2 छात्र दृष्टिविहीन है या दृष्टिहीन है, उनको पढ़ाने के लिए किस लिपि का प्रयोग करेंगे? तो ब्रह्मा लिपि तो नहीं होगी, सभी को पता है यहाँ पे ब्रेल लिपि, आविष्कारक इसके थे लुईस ब्रेल, कहाँ के थे? फ्रांस के निवासी थे, कल ही चर्चा हुई थी इस क्वेश्चन की, 6 बिंदुओं पर आधारित थी, एनसीईआरटी का डेटा ये कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। इस प्रकार के अगर प्रश्न क्लास में किए जा रहे हैं तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? अति लघुत्तरी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 14 है आपकी स्क्रीन पे, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, वेरी शॉर्ट भी नहीं, कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया कि 4 अंतर बताना है, तो भाई ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 लघु उत्तरी, ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, और पिछली जो भी क्लासेज हुई सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 15, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा पढ़ाना क्यों बेहतर होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती। कई बार ऐसे होंगे आपको प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि चारों विकल्प जो है प्रश्न के वो सही है, ऐसी स्थिति में आप 2 ऑप्शन को पहले हटाइएगा, फिर 2 में देखिएगा कि दोनों में सबसे बेस्ट कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं जो 3 ऑप्शन को अपने ऑप्शन में समाहित करके चल रहा है, वो उत्तर उसका सही होगा। सीटेट पहली बार में अच्छा स्कोर करने के लिए जो वीडियो हमने दिया था, बहुत ज्यादा उसमें प्यार मिला,
बहुत लोगों ने इसको लाइक किया ट्रिक को, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा लिंक नीचे मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, हम दे देंगे, क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ चुका है आप सभी का, बिल्कुल ठीक है। मातृभाषा में अगर आप पढ़ाएंगे तो सबसे बेस्ट क्या मिला, आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। बुद्धि का विकास कोई जरूरी है, हो या ना हो तो हम कह नहीं सकते इस बारे में, नौकरी की बात कोई हम कह नहीं सकते मिले या ना मिले, लेकिन बच्चों की जो पढ़ाई है वो स्वाभाविक वातावरण में होगी, क्योंकि बच्चे मातृभाषा से ही निकल करके आए प्राथमिक स्तर पर परिवार के सदस्यों से। तो बी ऑप्शन जितने भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक 13 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण कर ले, कोई भी अंतिम निर्णय ना ले, प्रधानाचार्य को संस्तुति करें कि उनके लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करें, छात्र को निम्न कक्षा में स्थानांतरित कर दें यानी ट्रांसफर कर दें, क्या करेंगे आप? ट्रांसफर करना तो ठीक नहीं हुआ एक टीचर के लिए, है ना, तो ये दोनों विकल्प ट्रांसफर वाले गलत हो जाएंगे। कहीं भी आप क्यों ट्रांसफर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों में भेदभाव हो जाएगा, फिर हीन भावना हो जाएगी कि हमको तो अलग किया जा रहा है, मतलब हम पढ़ने योग्य नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सॉरी किसी के नाम नहीं ले रहे हैं आज की इस क्लास में, प्रीमियर वीडियोस में नाम नहीं ले जाते, इसके लिए क्षमा करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें, कम समय में आप बेहतर समझ यहाँ पे बना पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को अपलोड होने के बाद देखते हैं, वो कमेंट करते हैं कि सर नाम मत लिया करें, तो देखिए कुछ कुछ वीडियोज आपको ऐसे भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट ऑप्शन, जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण ना ले तब तक कोई अंतिम निर्णय, पहले आप कारण जाने, परीक्षण करें, जो भी आपसे हेल्प हो सकती वो करें, तब आप उसको कुछ निर्णय लें, या आप उनके माता पिता से बात कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। प्रश्न संख्या 17 है, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र की भाषा दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसे क्या पाएंगे, भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धि हासिल करता है, वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है, उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है। कहा जा रहा है यदि आपकी कक्षा में एक छात्र की भाषा दोषयुक्त है, कोई बच्चा है उसकी भाषा ही दोषयुक्त है, तो अन्य की तुलना में क्या आ पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए अब यहाँ पे पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, भाषा दोष के कारण अधिक उपलब्धि तो हासिल नहीं करेगा, ना ही वो पिछड़ा है, बस ये है कि उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, है ना, ये यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा सी वाला, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, वीडियो को रोक करके भी आप देख सकते हैं, नोट्स बना रहे हैं तो रोक करके पॉइंट्स को नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है परिवार एवं पड़ोस, परिवहन एवं संचार साधन, बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिए, गांव एवं शहर, तो देश एवं राजनीति, तो देश एवं राजनीति सबसे बाद में, उसके बाद उससे पहले गांव शहर, उसके पहले परिवहन, लेकिन परिवहन और संचार, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, परिवार और पड़ोस यानी समाज, ठीक है, पड़ोस का मतलब क्या हुआ, समाज के लोग, तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आदिवासी जाति की छात्राओं के शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्याएं क्या हैं, मजबूत आर्थिक स्तर, सुविधाओं की अपर्याप्तता, उच्च सामाजिक स्तर, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 19। तो जो आदिवासी जाति की छात्राएं हैं, शिक्षण से संबंधित को कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है, आर्थिक भी है, लेकिन मेन जो रीजन है उनके पास सुविधाओं का अभाव है, ठीक है, पढ़ने के लिए फीस भी चाहिए, उसके साथ साथ जो भी सामग्री लगती है ना अधिगम के लिए, तो पर्याप्त सुविधाओं का जो है अभाव है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता क्या है, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया, ग्रेफिया, एक नंबर आपको दिलाएगा, ट्रिक वाला वीडियो बना है, ऊपर आई बटन में सजेस्टेड में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग बता रहे हैं सीखने की क्षमता पूछ रहा है, वो भी मौखिक रूप से, देखिए डिसलेक्सिया तो होगा नहीं क्वेश्चन नंबर 20 में, आंसर आएगा डिसग्राफिया, तो फिर हो गया ग्राफिया, ग्राफ से आएगा आपका पेंसिल, तो ये हो गया आपका, बताइए लिखने संबंधित, ये पढ़ने संबंधित, यहाँ पे सीखने की क्षमता क्या है, 20 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, अफेजिया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पढ़ ले, जब पढ़ ले कहे तो डिसलेक्सिया, ध्यान रखिएगा, डिसले पढ़ ले, पढ़ने संबंधी विकार डिसलेक्सिया,
लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में क्या आवश्यक उपाय है? छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान बिल्कुल ठीक है, विशिष्ट प्रावधान ये कुछ गलत लग रहा है क्योंकि फिर ये भेदभाव हो जाएगा। छात्र छात्राओं के लिए असमान ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है, एक जैसी व्यवस्था हो छात्र छात्राओं के लिए समान, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, न धर्म न जाति न लिंग के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? प्रस्तावना प्रश्न जो पूछे जाते हैं, लेसन प्लान आप सभी ने बनाया होगा, 3-4 क्वेश्चन शुरुआत में रखे जाते हैं, फिर प्रस्तावना प्रश्न, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर दृश्य से। तो देखिए यहाँ पे बच्चे को वैसे ही आप क्वेश्चन करते हैं, कुछ चीजें उनको ज्ञात हो, है ना, 2-3 क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिनके बारे में उनको पहले से पता हो, फिर लास्ट में आप समस्यात्मक प्रश्न बनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। सृजनशील बालक का गुण नहीं, क्वेश्चन निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। दमन का अधिक से अधिक प्रयोग करना, नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि होती है सृजनशील में, तो ये तो सही होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे नकारात्मक ऑप्शन जानना चाह रहा है। तो देखते हैं गंभीरता से विचारों में, ये तीनों तो पॉजिटिव है, यही एक निगेटिव है। तो यहाँ पे 23 में आपको आंसर क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा यहाँ पे पहला ही ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, निगेटिव था। बाल केंद्रित शिक्षा का है निर्माण का सिद्धांत, अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर रुचि का सिद्धांत। तो बालक को जब सेंटर में रखा जाता है तो बाल केंद्रित शिक्षा का है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अभी इसको स्किप करेंगे, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण में, यहाँ पे वैसे अगर आप देखेंगे तो रुचि का सिद्धांत भी होगा क्रियाशीलता, तो इसमें कुछ डाउट लग रहा है हमें, मतलब क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक, तो इसलिए स्किप कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार क्या होगा? प्रश्न संख्या 25 बताइए, बिल्कुल ठीक है। अगर वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया मतलब क्या है, वो अपने समान आयु में अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो सीखने का वक्र कैसा रहेगा? समूह में अगर आप सीखने का मौका देंगे किसी समस्या पे ग्रुप में, स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, बेहतर ही होगा ना, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका, बेस्ट मेथड कौन सा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन आकलन का। तो अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि नहीं वाह एजेंसी द्वारा कराने से क्या फायदा होगा, बच्चे के अंदर डर पैदा हो जाएगा, पता नहीं कौन टेस्ट लेने आ जाए, है ना, तो ये तो गलत होगा। सत्र की समाप्ति में भी नहीं, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, अंत में कुल 2 बार, ये भी नहीं। आकलन जो है शिक्षण में अंतर्निहित प्रक्रिया है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 27 का ए। प्रकृति पोषण में प्रकृति से अभिप्राय क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार अलग अलग टेट परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय क्या है, तो सही जवाब यहाँ पे दे रहे हैं बहुत सारे लोग, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोग वातावरण बता रहे, नहीं आंसर आएगा जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचना है। 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया, कई बार हमने आपको ये चीज बताई है, तो जब आपको बदलाव करना हो किसी भी चीज में, नॉर्मली अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो अलग बात हुई, जब आपको चेंजेस कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। तो 29 में आपको ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, जब आप बिना बदलाव के कुछ ऐसे शामिल करते हैं, यहाँ पे बदलाव एक शब्द लिखा है तो वो होता है आपका आत्मसात, लेकिन यहाँ पे क्या है, बदलाव, तो आंसर क्या मिलेगा, समायोजन। 29 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, प्रश्न संख्या 30, यहाँ पे कुछ वीडियोज आपको दिख रहे होंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे सही जवाब होगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। 29 क्वेश्चन, क्योंकि एक हमने स्किप कर दिया, 29 में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एक क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए होमवर्क, वो क्वेश्चन ये होगा कि डिसकैलकुलिया, जो यूपीटेट 2018 में पूछा गया है, डिसकैलकुलिया जो है ये किस प्रकार का विकार है अधिगम संबंधी, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखिएगा। सभी के कमेंट्स पे लव्ड करते हैं हम, तब टिक करते हैं कि हमने कमेंट देखा, और रिप्लाई भी करते हैं जहाँ पे आवश्यकता होती है। थैंक यू सो मच इस सेशन से जुड़ने के लिए, क्लास आपको रोज मिलेगी शाम को 7:30 से 8:30, थैंक यू सो मच। लाइक किया ना, नहीं किया तो कर दीजिए लाइक।